हेलो दोस्तों, आज दोस्तों इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे थ्रेड कटिंग ऑपरेशन के बारे में। या कह सकते हैं हम कि कोई भी हमारा जब जो वर्क पीस है उसमें हम थ्रेड की कटिंग कैसे करेंगे बाय द लेथ मशीन के द्वारा। जैसे कि पहले मैंने इसके पहले भी डिस्कस किया है कि टर्निंग ऑपरेशन क्या होता है, फेसिंग ऑपरेशन क्या होते हैं और हमारा सेंटरिंग ऑपरेशन क्या होता है। अगर आपने नहीं देखा है तो जरूर देख लें। जैसे कि हमारा वर्क पीस है, लेथ मशीन के द्वारा हम इंटरनल थ्रेडिंग भी कर सकते हैं और एक्सटर्नल थ्रेडिंग भी कर सकते हैं। इसमें दोस्तों क्या होता है कि जैसे कि मैंने लिखा हुआ है, और हम क्या करते हैं, जो हमारा थ्रेड आर कट बाय द गियर कीपिंग ए मीडियम स्पीड रेशियो बिटवीन ए स्पेंडल एंड द टूल। जो हमारा स्पेंडल होता है, टूल होता है, और हमारा जो गियर मैकेनिज्म होता है उसका रेशियो हमें अकॉर्डिंग टू कटिंग क्या करना सेट करना पड़ता है। जैसे कि ये हमारा क्या है, ये हमारा हेड स्टॉक है, ये हमारा हेड स्टॉक है, और ये हमारी क्या है, जॉब है, जिसमें हमें क्या करना है, थ्रेड की कटिंग करना है। ये हमारा मूवमेंट सपोज़ेड ऐसे कर रहा है क्योंकि वर्क पीस है, मूव करेगा, और ये हमारा क्या है, चक है। इसमें क्या किया मैंने, वर्क पीस को क्या किया दोस्तों, होल्ड किया है, और ये हमारा डेड सेंटर है। डेड सेंटर इसलिए मैं इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका कोई यूज नहीं है, सिर्फ ये टूल को क्या कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है, ये हमारा डेड सेंटर है। अब इसमें क्या करते हैं हम, गियर मैकेनिज्म को, ये जो हमारा पूरा, इसको हम कह सकते हैं हमारा चेंज गियर है, पूरा कह सकते हैं हम चेंज गियर। इसको हम अपने स्पीड के अकॉर्डिंग, जैसे कि हमें थ्रेड बहुत हल्की चाहिए तो स्पीड हम क्या कर देंगे, गियर ड्राइव की बढ़ा देंगे। अगर हमें थ्रेड क्या करनी, थोड़ी दूर दूर चाहिए और बहुत ज्यादा डेप्थ में थोड़ी चाहिए, तो स्पीड को क्या करते हैं, हम स्लो रखते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग हम जितना भी, हमें जैसा भी थ्रेड चाहिए उसके अकॉर्डिंग हम अपने गियर को क्या करते हैं, चेंज कर लेते हैं। ये हमारा होता है, ऐसे ऐसे हम थ्रेड कटिंग करते हैं। ये हमारा होता है दोस्तों थ्रेड टूल होता है, ये हमारा क्या है, थ्रेडिंग टूल है, ये हमारा पूरा होता है टूल पोस्ट, जिसमें हम क्या करते हैं, जो हमारा थ्रेड कटिंग टूल होता है उसको हम टूल पोस्ट में क्या करते हैं, लगाते हैं। ये हमारा होता है टूल पोस्ट, और ये हमारा होता है कैरेज। तो हमारा पूरा कैरेज होता है, और ये हमारी होती है लीड स्क्रू, लीड स्क्रू में दोस्तों क्या होते हैं, इसमें पिच बने होते हैं, और ये हमारा कैरेज जो होता है पूरा, उसमें हमारा क्या करता है, सेट करता है, और ये लेफ्ट और राइट मूव कर सकता है जितना हमें थ्रेड करना होता है। ये सपोज इट ऐसे मूव करेगा, ऐसे जॉब के अकॉर्डिंग ये भी मूव करता है। इसमें एक स्प्लिट नट होता है जो क्या करता है, पूरा इसको सपोर्ट रखता है कि जितनी हमारी कटिंग करनी है उसके अकॉर्डिंग हमारी पूरी थ्रेड की कटिंग हो जाए। तो ये ऐसे वर्क करता है, सपोज दैट हमें इसमें कटिंग करनी है, थ्रेड की कटिंग करनी है, तो हम क्या करेंगे, जितना हमें डेप्थ देना है उसका एक गियर रेशियो होता है। अगर आपको थ्रेड कटिंग का पूरा वीडियो चाहिए कि इसमें डेप्थ क्या होती है या फिर चेंज गियर ड्राइव क्या होती है रेशियो की, तो सारी चीजें मैं दोस्तों डिटेल से डिस्कस करूंगा। अभी मैं सिर्फ इसमें ऑपरेशन की बात कर रहा हूं। तो ये हमारा हेड स्टॉक होता है, ये हमारा चक है, ये जो आप कंटिन्यू क्या कर रही है, मूव कर रही है। जब हमें थ्रेड करना होता है तो हम क्या करते हैं, जो हमारा पूरा कैरेज होता है इसको क्या करते हैं, हम लीड स्क्रू में सेट करते हैं। लीड स्क्रू में भी थ्रेड के पूरे बना होता है, थ्रेड का साइन बना होता है, उसमें क्या करते हैं, हम इसको सेट करते हैं इसके अकॉर्डिंग, और हम क्या करते हैं, इसमें थ्रेड कर लेते हैं, और हमें जितनी भी फीड चाहिए उसके अकॉर्डिंग हम अपनी फीड देते हैं। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो दोस्तों, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।